तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के सिंचैन में। एंड आज इस वाले एपिसोड में हम लोग यहाँ पे जो कोल टाउन को और ज़्यादा जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने मेन टाउन को तो हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया एंड वहाँ पे कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए बाकी नहीं बचा है। बट हाँ, कोल टाउन में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो एक्सप्लोर्ड नहीं है। एंड आज के साल एपिसोड में हम उन सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं आज अपनी जर्नी को जो है एक्सप्लोर करने के लिए। बट उससे पहले यस आई वाज राइट, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ग्रो हो चुकी है जितनी हमने जो है फार्म पे लगाई है। एंड इसके साथ हमें जो है कुछ नई सीड्स भी देखने को मिले थे। पहले करते हैं हम इनको हार्वेस्ट। एंड शैलॉट की आई थिंक हमें जरूरत थी रेसिपी के लिए। एंड चलिए यहाँ पे एग प्लांट्स को भी करते हैं। चार ही मिले एग प्लांट, थोड़े से कम मिले हमें। एंड देखिए कौन कौन से नई सीड्स जो हमारे पास ऐड हुए हैं, वो है कैरेट। सो एक में हम जो है लगाते हैं कैरेट। बाकी हमारे पास सारे वेजिटेबल्स रहे क्योंकि वेजिटेबल्स की हमें जो है जरूरत पड़ती रहेगी, तो वही चीज़ है। एंड मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा क्या इस पर लिखा आता है क्या कि कितने दिन के बाद हम लोग जो है इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रोथ इसकी स्लो है, ये ज़्यादा टाइम लगेगा। कॉर्न नॉर्मल 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 नॉर्मल। ओके, टमाटो की फास्ट है। सो टमाटो यहाँ पे जो है काफ़ी जल्दी उगेंगे। सो यहाँ पे जो है कॉर्न को लगेगा टाइम, तो मैं काम करता हूँ दो बेड में ना कॉर्न लगा देते हैं, क्योंकि कॉर्न को मैं बार बार नहीं उगाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो चलिए इसी के साथ चेक करते हैं अपने पास क्या क्या मिशंस हैं आज करने के लिए। एक तो फाइंड समवन टू फिक्स द एलिवेटर। ओके, आई थिंक इसके लिए भी हमें सुमी की हेल्प लेनी पड़ेगी, सुमी की सिस्टर की। एंड ये वेजिटेबल वाला टास्क तो फिलहाल अभी बचा हुआ है, इसके अलावा ये भी अभी टाइम लगेगा। ओके हाँ, बट ये जो क्विज़ है ये क्विज़ हम कर सकते हैं, बट क्विज़ के लिए मेरे को सारी चीज़ें मिली नहीं हैं। एंड इस वाले के लिए हमें कुकुम्बर चाहिए और चाइनीज़ यैम चाहिए। एंड हमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिली अभी तक। एंड इसके लिए हमें चाहिए गिबलेट्स। एंड गिबलेट्स हमें चलो मिल जाएंगे, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अनियन आप लोग अपने पास हैं, कॉर्न अपने पास नहीं है। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग के पास है, बट हाँ बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे हमें। एंड आई थिंक पहले यहाँ पे शॉप में देखते हैं शॉप से हम क्या क्या चीज़ जो है बाय कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो चीज़ों की जरूरत है वो है गिलबेट, तो आई थिंक इससे हमारा जो है काफ़ी हद तक जो है काम हो जाएगा। एंड अगर यहाँ देखें तो कुछ भी ऐसा मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए और यहाँ मिल जाए। एंड ये अनियन थोड़ा काम करेगा, तो अनियन ले लेते हैं। अनियन की हमें जरूरत पड़ जाती है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नई कड़ी पेस्ट की भी अपने को जरूरत नहीं है, तो बाकी चीज़ों को जो है रहने देते हैं। एंड चलो चलते हैं भाई, अब यहाँ पे जो है हम कोल टाउन की तरफ। तो यहाँ पे हमें जितना हो सकता है हमें उतना ही जो है कलेक्ट करते रहना है, क्योंकि हमें 200 टाइम्स करना है ये, तो वो एक चीज़ है, तो उसमें टाइम लगेगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड चलो भाई कोल टाउन की तरफ निकलते हैं हम। इस पार्ट को मैं थोड़ा स्किप कर दूँ, आई थिंक सब ने जो है ये पार्ट देख लिया है। एंड मैं अभी तक मेरे ख्याल से 5 एपिसोड्स में डाल चुका हूँ, 5-6 पार्ट्स में मैंने अभी तक ऐसा कुछ स्किप नहीं करा है। लेट्स गो, अभी भी यहाँ से ये हटे ही नहीं है। आई थिंक जिस पास की जरूरत है वो पास में टाइम लगेगा हम लोगों को मिलने में। सो सबसे पहले चलते हैं एलिवेटर की तरफ, क्योंकि हमें एलिवेटर भी जो है एलिवेटर को भी रिपेयर करवाना है। सो आई थिंक एलिवेटर के लिए वेट, यहाँ पे है ही नहीं, हो सकता है ऊपर वाली साइड हो। ये काफ़ी अजीब सा है कि मतलब यहाँ पे सुमी की बहन है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, जो एक और रेसिपी अपने पास आई है, एंड इस रेसिपी को आई थिंक यही है। ओके नहीं, ये रहा। हम चाहे तो हम रेसिपीज काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं, बट हाँ रेसिपीज को पहली बार बनाने के लिए हमें उन मटेरियल्स की ज़रूरत है, जो मटेरियल्स उसको चाहिए, तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एंड देखो भाई, पैसा अर्न करना आई डोंट थिंक सो कि इतना डिफिकल्ट है। ओके
एंड चलो भाई 200 येन हमें मिल गए यार, डेस्परेटली नाइस, क्योंकि पैसे की जरूरत थी, पैसे खत्म हो रहे थे। नेबर देखते हैं इस शॉप में क्या क्या चीजें हैं, क्या कुछ नई चीजें ऐड हुई है शॉप में। ओके, तो ऐसे से अभी कुछ नई चीजें ऐड नहीं हुई जिनकी हमें जो है जरूरत है, तो फिलहाल अभी हम इसको रखते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, शॉप में चलते हैं, थोड़ा सा सब हम करेंगे तो थोड़ा भी पैसे मिल जाएगा। डेट कैन बी क्विक फास्ट एंड आई मीन हरी। ओके आई थिंक क्या दिया जाए, ये वेजी कड़ी है, स्टेमिना है। ओके काम करते हैं, रोस्टेड मिलेट से देते हैं, हमें मटेरियल्स की जरूरत नहीं है, तो हम कुछ भी डिश जो है यहाँ पे दे सकते हैं, अनलाइक पहले हमें जो है उन सारे मटेरियल्स की जरूरत है उन डिश को बनाने के लिए। चलिए ये हो गया, आई थिंक आगे हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आई थिंक ये जो पहली दो टेबल है, अगर इन दो टेबल पे कोई हो तभी हम जो इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड चलिए भाई आई थिंक हमें यहाँ पे 100 येन मिल सकते हैं, 50 येन ही मिले हैं, मैं सोच रहा था एटलीस्ट हमें जो है 100 येन मिलेंगे। एंड अब हमें किसी को ढूंढना है जो एलिवेटर फिक्स कर सके, बट कहाँ पे ढूंढे उसे। आई थिंक हमें जो नया एरिया ओपन हुआ है उस एरिया में जाना पड़ेगा इस चीज़ को जो एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स वेट, कुछ तो दिखा इस शीरो को, कुछ बढ़िया सा मिनरल अगर शीरो यहाँ पे दिला दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड चलो वैक्यूम टीम नॉट एट बैड, बट यहाँ नहीं है अभी वो, तो जो एरिया बचता है वो एरिया ये वाला जिस एरिया को हमने एक्सप्लोर नहीं करा है। एंड इसके पास एक क्विज है, बट भाई क्विज का अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है। यहाँ से भी वो एलिवेटर जो है बंद है, एंड आई थिंक ये रास्ता टॉप पे ले जाता है। यस, तो इधर की साइड कुछ नहीं है। ओके आई थिंक मिल गया, मिल गया आई थिंक, यही तो है वो, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे स्मॉल मेटल वर्कर शॉप If it's repair you seek, they have got the technique. Go, go! But ये shop तो बंद है, shop खुलती कब है? Okay, so इधर की side कुछ भी नहीं है, interact करते जितना हो सके। भाई ये रास्ता तो नहीं मिल रहा यार इस टाइम पे हमें, कि हमें जाना किस साइड चाहिए। बात में चले क्या, लेट्स सी, चलो बात में चल के देखते हैं, क्या पता कुछ हमें स्टोरीज पता लग जाए कि कौन उसको रिपेयर कर सकता है, तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड ऐसा कोई हमें हिंट तो नहीं मिली यहाँ से, मुझे लग रहा था शायद हमें कुछ हिंट मिलेगी बट एक्चुअली नहीं। एंड आओ इस पजल को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ओके एक्सेप्ट दिस चैलेंज। क्वेश्चन 1, द टाउन हैज यूटिलिटी पोल सेट अप ऑल ओवर द प्लेसेस। देखो भाई मेरे को तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ 2 ही यूटिलिटी पोल दिखे हैं, बट आई थिंक 3 हो सकते हैं, तो मैं 3 के यहाँ जाऊँगा। एंड ये जो शू बॉक्सेस वाला ही मैंने काउंट करा था, एंड ये 18 है इसका मैं श्योर हूँ। एंड नेक्स्ट टेल मी विच ऑफ दीज आइटम यू वोंट फाइंड इन मिस योसेफ डिनर, मंथली कैलेंडर, वुडन डॉल, राउंड रेड कुशन। आई थिंक ये हमें नहीं मिला ना। वेट अ सेकंड, यहाँ पे कितने हैं पहले मैं काउंट करूँ। ओके 6, 18 यहाँ पे हैं, वैसे इधर की साइड ज़्यादा की ज़्यादा है तो मुझे मालूम नहीं कि ये कितने में, और ऑप्शन चेक करता हूँ रुको वापस चल के। यूटिलिटी पोल से मैं फिलहाल 3 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 3 यूटिलिटी पोल है।
वेट अ सेकंड, ये थोड़ा बेकार है। नहीं 18 होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि 18 का ही ऑप्शन है एंड यहाँ पे जो है मंथली कैरेक्टर। ओके सो व्हाट आई थिंक इज कि हम जो गलत कर रहे हैं ना वो सबसे पहले वाला है, यूटिलिटी पोल वाला जो है हम उसको गलत कर रहे हैं मुझे जो लग रहा है। यूटिलिटी पोल को हम करते हैं 4 एंड पब्लिक बाथ में हम करते हैं 18 एंड जो लास्ट वाला है इसके लिए रेड राउंड रेड क्वेश्चन, ठीक है। यस तुम्हें सही था, पहले वाला ही हमारा जो था गलत था, यूटिलिटी पोल्स वाला। एंड भाई 20 मिनरल्स भी मिल गए एंड इसी ने हमें एक बैच भी दिया है एंड आई थिंक उस बैच की मदद से जो एरिया हमारे लिए क्लोज था स्टार्टिंग में हम उस एरिया को जाके जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी सॉर्ट ऑफ बैच की जरूरत थी। हाँ ये जो यहाँ पे खड़े हैं, लेट्स सी। तो आई थिंक वो जो बैच है हमें दूसरे बैच की जरूरत है इसको पास करने के लिए। ओके सो रात भी हो चुकी है तो वापिस चलते हैं यहाँ पे सोने के लिए। ओके गाइस तो चलो भाई रात भी हो चुकी है एंड भाई अभी हमें बस फिलहाल इतना कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि अगर हम देखें जो हमने बग्स कैप्चर करे 3 बग्स हैं जो सिर्फ बाकी बचे हैं, फिशेस थोड़ी ज़्यादा है एंड साथ में वेजिटेबल्स भी, मिनरल्स भी सिर्फ 2 ही ऐसे मिनरल्स बाकी बचे हैं जिन मिनरल्स को जो है हमें ढूंढना पड़ेगा एंड आई थिंक ईजी रहेगा अगर हम उसको जो है एक्सचेंज में अगर वो मिनरल्स हमें मिल जाए तो वो काफ़ी ईजी रहने वाला है। पहले चलते हैं पानी देते अपने सारे क्रॉप्स में, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है अपने लिए एंड ये काफी बढ़िया लगता है जिस तरीके से तुम फील्ड में जो ना पानी देते हो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एंड चलो गाइस इसी के साथ डायरेक्ट हम कोल टाउन में होने से पहले मुझे एक काम जो है और करना है, पहले हम यहाँ चेक करते हैं। ओके पेपर मिलेगा, पेपर हम लोग के पास नहीं है, ये काफी अच्छा रहेगा तो मैं पेपर जो है बाय कर लेता हूँ एंड बाकी इनको भी बेचते हैं। इसको बेचा हमने कड़ी पेस्ट के लिए, भाई देखो 3 शैलॉट में नहीं देने वाला हूँ क्योंकि यार शैलॉट ग्रो करने पड़ते हैं मुझे एंड ग्रो करना उनको इतना ईजी नहीं है शैलॉट को। ओ वेट अ सेकंड, एक नई टाइप की बटरफ्लाई दिख गई है एंड आई थिंक ये हमारे पास नहीं थी। यस एंड अब सिर्फ बाकी बचती है 2 टाइप के और बग्स जो हमें फाइंड करने हैं। वेट अ सेकंड, मैंने इसको भी कैप्चर नहीं करा जितना मुझे याद है। ओके जस्ट मैं भी कैप्चर करके आया हूँ ना, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी ऐसा मिशन नहीं है इनके पास, इधर भी वैसे में कोई मिशन दिख नहीं रहा है जो हम कर सकते हैं।
बट हमें वो कंट्रोल ना वेजिटेबल्स की जरूरत है, सो आई थिंक वेजिटेबल हंटिंग के लिए मैं ऊपर की साइड जो है जा सकता हूँ। ये तो भाई काफी ज्यादा खाली एरिया है, मतलब यहाँ पे फिश भी नहीं है इतनी ज्यादा। ओके गाइस, मुझे क्या लग रहा है मुश्किल है कि ये अब हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ मिलेंगे, क्योंकि पहले में अच्छे खासे जो है मटेरियल्स मिल रहे थे, बट अब थोड़ा से वो जो है कम हो चुके हैं। सो चलते हैं, एक काम करते हैं, डायरेक्ट अब कोल्ड टाउन चलते हैं। यार कोल्ड टाउन में हमें जो है मेन स्टोरी को आगे जो है प्रोग्रेस करना है। वेट अ सेकंड, गलत रास्ते में चले गए थे हम। चलो भाई, कोल्ड टाउन तो हम आ चुके हैं, एंड आई होप कि यार अगर वैसे में सुमी की सिस्टर नहीं दिखती है तो हम सुमी से भी जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर डायरेक्ट जो है सुमी से ही जो है ना उस चीज़ के लिए इंटरेक्ट करें। ओके यार, डिलीशियस वेजिटेबल मील, आई थिंक ये काफ़ी रहेगा, काफ़ी सारे हैं। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से, एंड इधर मैं जाके वापिस जो है पहले चेक कर लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे आ चुकी हो। थोड़ा सा गलत था मैं, एक काम करते सुमी से पूछते हैं, बट हमें यूमी मिल ही नहीं ना कहीं, यूमी नहीं वैसे यूमी। वेट अ सेकंड, यहाँ पे कुछ आया है, ओके क्रीम स्ट्यू। अरे चेक करते क्रीम स्ट्यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मुझे लगता नहीं वैसे मतलब कुछ भी होगा जो हमें क्रीम स्ट्यू के लिए चाहिए। वैसे हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, कैरेट नहीं है एंड सिर्फ कॉर्न नहीं है, ये डिश उतनी मुश्किल नहीं है। अब क्या यहाँ पे डायलॉग चेंज हुए, ओके डायलॉग यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहे, बट यूरी हमें मिलेगी कहाँ, दैट्स अ बिग थिंग। एंड को यार बुलेटिन की बार चेक कर दें, सो टमाटो के बदले मिलेंगे जेड, इसको मुझे लगता नहीं जेड हमको मिले हैं। ये थोड़ा भाई प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अब ना हमें मिल नहीं रहे हैं कोई भी, मतलब ऐसे कोई एरिया भी नहीं बाकी बचा जो एरिया पे हम नहीं गए हैं। ये शॉप अभी भी क्लोज है, आई थिंक ये अभी भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही है ना। हाँ बड़ी 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 बड़ी। अब हम क्या करें यार, मैं तो बिल्कुल एकदम खुले सोचूंगा कि हमें करना क्या है इस पॉइंट पे, क्योंकि नियरली जितना एरिया था उतना मैंने एक्सप्लोर कर लिया है शीरो को छोड़ते हैं अभी। यहाँ पे वैसे हमें चाहिए यूरी की हेल्प, बट यूरी है कहाँ। Wait a second, ये तो एक नया एरिया है ना, कि नहीं वैसे ये एरिया है वही एरिया,
प्रेजेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा एक और एरिया हो जो एरिया मेरे से मिस हो गया हो? एक बार पूरा एरिया जो है ना वापस चेकआउट करता हूँ, हो सकता है मेरे से कोई एरिया जो है मिस आउट हो गया हो। तो गाइज यहाँ पे काफी ढूंढने के बाद फाइनली पता है यूरी कहाँ थी। इस रूम के अंदर यहाँ से एक रूम और है एंड यूरी यहाँ पे। एंड मैंने यूरी को ढूंढने के लिए पूरा टाउन जो है 3 से 4 बार जो है घूम चुका था, बट यूरी फाइनली हमें मिल चुकी है। A 7 speed gear. Wait a second, ये तो कुछ ऐसी चीज है जो हमें मालूम भी नहीं है कि ये होता क्या है। ओके बटन रुको, ये हमें शो करेगा कि क्या होता है। ओके सर्च फॉर द फैंटम गियर, नीड अ 7 speed gear टू फिक्स द एलिवेटर, बट यू हैव नेवर सीन वन इन अ कोल्ड टाउन। सो इसका मतलब कोल्ड टाउन में ये 7 speed gear नहीं है। तो आप लोग मालूम है हमें कहाँ जाना है एंड हम खुद वहाँ पे जा रहे हैं। जल्दी से ये जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं एंड मिलते हैं आगे। यार इसको स्किप मारते हैं जो भी है, जल्दी करते हैं इसे। सो गाइस जैसे कि हमें जो 7 speed गियर है वो हमें कोल्ड टाउन में तो नहीं मिलेगा, बट हमें यहाँ कहीं मिल सकता है। तो लेट्स सी कि कहाँ कहाँ पे हमें जो मिलेगा। एक बार मैं यहाँ मिल सकता है क्या? ओके यहाँ से हमें एक प्लांट मिल जाएंगे एंड ये बैम्बू। ओके एंड ऑटम इसकी जरूरत नहीं। काफी ज्यादा हो चुके हैं। वेल आई हैव हर्ड दैट दोस किड्स हैव अ रियली नाइस स्पाइक इन देयर सीक्रेट बेस। मतलब जो बच्चे थे बाकी उनसे हमें जो है मिल सकता है ये। चलो चलते हैं चेक करके आते हैं। एंड मोर ओवर अब तो हम एक टीम है तो आई थिंक वो हमारी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सारी सारी जो हिंट्स है वो इधर की साइड ही ले जा रही है एंड आई थिंक यहाँ पे भी सेम वही हिंट होगा। तो यहाँ पे कुछ तो नया टाइप का मॉडल है, मिला कुछ नया मिलेगा बट नया नहीं था। वेट ये वो साइकिल तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं अरिगातो गोज़ाइमासु। एंड भाई डेट्स गुड, हमें यहाँ पे 7 speed गियर मिल चुका है एंड अब हमें बस यहाँ से जो है इसे यूरी के पास ले जाना है एंड यूरी जो है आगे इसको असेंबल करेगी किसी तरीके से कि वो जो एलिवेटर है एलिवेटर काम करने लग जाए। दैट्स नाइस, सो लेट्स गो। Thank you.
सो गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं यूरी के पास एंड होपफुली इससे जो है एलिवेटर जो है फिक्स हो जाए। ओ वेट अ सेकंड, बट इस बार यूरी कहाँ गई? क्या हमें वापस घूमना पड़ेगा क्या यूरी को? ओके दैट्स गुड कि एलिवेटर के पास ही है। यूरी ओने सब अरिगातो। ये पूरी रात लग जाएगी इस चीज को जो है फिक्स करने के लिए एंड उतनी देर में हम लोग क्या करें अब? तो ये चलो इनको पूरी रात भर जो है फिक्स कर लेंगे, चेक कर लेते हैं कि कुछ है क्या ऐसा। कैबेज के बदले फ्लोराइड, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जेड आई थिंक अपने पास है, जेड ये मैं तो जेड में श्योर नहीं जेड अपने पास है या नहीं है, बट मुझे लगता नहीं कि अभी हमें जेड की जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, तो फिलहाल देखो अभी कोल्ड टाउन में तुम्हारा काम हो चुका है क्योंकि अब जो ये एलिवेटर है वो रात भर यूरीज पे वर्क करेगी एंड अगले दिन जाके जो है ये एलिवेटर जो है वर्क करने लगेगा। सो वापस चलते हैं हम यहाँ पे जो है अपने टाउन, उसका नाम है अनपेंट विलेज, थोड़ा सा अजीब सा नाम है बट ठीक है। यहाँ हमारे वेजिटेबल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं एंड वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड एक बार मैं सब मिशन चेक करता हूँ। सो कॉर्न और कैरेट ये दोनों चीज़ें ग्रो हो रही है। डिफरेंट किंग साइज बग्स, तो बग्स हमने कैप्चर नहीं करे ना किंग साइज वाले, इसको हमें करना पड़ेगा। एंड ईस्टर्न जैपनीज स्ट्रिप लॉच, ओके मतलब काफ़ी सारे बचे हुए हैं अभी। मुझे लगा था हमने मोस्ट ऑफ द थिंग जो है ख़त्म कर दी है बट नहीं, मैं गलत था थोड़ा सा। इंसानी चीज़ों को थोड़ा हम कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों से मिलता हूँ मैं गाइस अगले दिन जब वो एलिवेटर जो है फिक्स हो जाएगा। तो इतनी देर में मैं इन सारी चीज़ों को जो है कोशिश करूँगा कि इन सबको मैं पकड़ पाऊँ, अपना जितना भी ये साइड मिशन है इन साइड मिशन को भी हम साथ में जो है कम्प्लीट करके चलें तो वो काफ़ी जो है बढ़िया रहने वाला है। तो मिलते गाइस आप लोगों से अगले दिन में। एंड गाइस इसी के साथ जो है अगला दिन यहाँ पे शुरू हो चुका है एंड यहाँ पे सिंचैन का एक जो ब्रदर भी आने वाला है एंड आई थिंक ये उसके फादर हैं जो एक तरीके से सिंचैन के अंकल लगेंगे। ओ शिनोस्के हिसाशिबुरी दा ना वाओ तोचन नो नीचन नो किचना ओजीसन। तो ये डैड इसके डैड के मतलब हिरोशी के ब्रदर हैं। ओए ओए बट मुझे याद नहीं कि हमने सिंचैन कभी भी ऐसा कुछ देखा हो। केन्याक का って言ってくれよ कोन्याक का倹約家、オラみたいに無駄遣いしない人のことだ。お前も財布の紐には気をつけろよ。お、なんだお前、財布を持ってねえのか。持ってないぞ。おいおい、それじゃ金持ちになれねえぞ。あ、じゃあこの財布、お前にやるよ。Okay, हमें एक वॉलेट जो है मिल रहा है and I think इस वॉलेट की मदद से हम लोग अपना जो है मनी को बढ़ा सकते हैं ना। एक्शन का मैंने सही है मुझे सही गई तो तुम मैं केंशो दे आतता रेयर मोनो दा डाइजी नी स्कत्ते काने मोची नी नरे यो ब्लज साइफ दाई वा शुस्से बराई दे ई करा यो। एंड भाई बिग ड्रीम एंड बिग पॉकेट का टास्क यहाँ पे जो है कंप्लीट एंड यहाँ पे हार्वेस्ट का भी टाइम आ चुका है। हम लोग इस पॉइंट पे जो है पोटैटोस एंड साथ में जो है कैरेट हार्वेस्ट कर रहे हैं, बट हमें मेनली हमें जो हार्वेस्ट करना है वो है कॉर्न। बट कॉर्न को अभी जो है एक दिन और लगने वाला है। एंड अगर मैं देखूँ कॉर्न अपने पास नहीं है, पोटैटो 9 पोटैटो 4 कैरेट है, 10 शैलॉट एग प्लांट। सो यहाँ पे अच्छे खासे हैं शैलॉट भी। एक काम करते हैं, एक पे हम लगाते हैं शैलॉट एंड दूसरे पे हम लगाते हैं पे कैरेट। बाकी कॉर्न हमारे पास अभी सफिशिएंट है, पोटैटोस भी अभी तक हमारे पास सफिशिएंट है, वो आई थिंक काफी बढ़िया रहेगा। एंड भाई जल्दी से चलते हैं भाई कोल्ड टाउन की तरफ क्योंकि कोल्ड टाउन में जो है एलिवेटर जो है रिपेयर हो चुका होगा अभी तक
एंड मैं देखना चाहूंगा उस एलिवेटर से हम लोग जो है कौन कौन से एरियाज में अब जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पे तीन एक प्लांट के बदले बैम्बू ये हमें नहीं चाहिए, ये एक पता है अलग चीज है, ये ऐसी चीज लो जो एक्चुअली मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड 120 ये ले लेते हैं। एंड हमारा यहाँ पे वॉलेट आ चुका है, तो हम यहाँ पे जो है और ज्यादा मनी जो है रख सकते हैं। पहले हमारे पास मैक्सिमम मनी था 1500 येन जो है रख सकते थे, बट अब वो जो लिमिट है वो इंक्रीज हो चुकी है। वैसे कितने से इसका आइडिया अभी तक हमें नहीं है, बट होपफुली आई थिंक जैसे हम 1500 क्रॉस करेंगे आई थिंक हमें पता लग जाएगा कि हम जो है कितना जो है रख सकते हैं। एक बार जैसे जो है ना कॉर्न ग्रो होगा तो आई थिंक यहाँ पे हम मल्टीपल रेसिपीज जो है उन पे वर्क कर सकते हैं। अगर मैं चेक करूँ जो रेसिपीज अपने पास है, एक तो ये वाला जिसके लिए ओके हमारे पास जैपनीज पार्शली नहीं है, हमने बेच दिए ठीक है, पार्शली तो मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। कॉर्न ये डिश हम बना सकते हैं। एंड इसके अलावा वेट अ सेकंड, एक ही डिश है क्या? डिनर प्लान टू, ओके आई थिंक एक ही डिश है जो बाकी बची हुई है, बाकी हमने सारी डिशेज जो है कंप्लीट कर ली है। एंड यहाँ पे आने का भाई रोज का एक हिसाब लेके चलते हैं, यहाँ पे एक कस्टमर को जो सर्व करते चलते हैं। ओके इसे वेजीज नहीं पसंद है तो एक काम करते हैं, सालमन जो है वो दे देते हैं, आई थिंक वो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें यहाँ पे कोई भी एज सच वेजिटेबल्स नहीं होते हैं। वेट अ सेकंड, मनी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मनी की हमें जरूरत है। ओके 170 येन मिल चुके हैं, 1000 येन हमने जो है क्रॉस कर लिए हैं। वैसे वो दो है ना रेसिपी, ओल्ड मैन का ये नूडल भी है, इसके लिए हमें चाहिए कुकुम्बर और चाइनीज येन, बट कुकुम्बर की अभी तक हमारे पास सीड्स नहीं है हमारे पास, तो अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते। エレベーター直ったよ。おお、こいつ動くの？さすがユリッペ、大したもんだ。あれ、いや、わびさぎ、バティス、あいかめ、パタネイヤ。ごきげんよう、隅の町の諸君。今日は新しい計画について諸君に説明する。うん。手伝しのおじさん、隅の魔事の最高責任者ムダステール・ダンシャーリだ。代々この魔事を治めてきたムダステール家の新しい当主、今は亡き先代には世話になったもんだ。この町はアラカンタンによって支えられてきた。そのアラカンタンが今や枯渇し始め、町は存亡の危機に瀕している。はっ、若造が今さら言っても始まらねえ。だが心配は無用だ諸君、私はこの町を救うための美しい計画を準備している。その名は無駄ゼロパーフェクトタウン計画。ベストフリータウンオフPerfection. 今日から町にはびこる無駄という無駄を徹底的に排除していく。以上だ。無駄ゲテのパーフェクトボディ計画、全身スベスベになりそう。無駄ゼロパーフェクトタウン計画よ。やろう。何を始めるつもりだ？スミちゃんが言ってた街が壊れそうな匂いってこのこと？わからない。でも良くないことが始まる気がする。 OK guys, अब हम बेटा भी हम इसको चेक ही नहीं कर सकते हैं। मुझे लगा था अब तो हम शायद इसको कर पाएंगे, बट नहीं। एंड भाई यस, हम लोग यहाँ पे एलिवेटर यूज कर सकते हैं एंड इसी चीज की हमें जरूरत थी, बट कैसे?
मैं देखना चाहूंगा कि जो माइंस है वो माइंस एक्चुअली है कैसी। ओके देयर वी आर एंड यहां पे हमें होपफुली कुछ और जो है मिनरल्स मिले एंड एक्चुअली माइंस दिखने में काफी अच्छी है। लार्ज वॉच टावर बट यहाँ पे कुछ है नहीं कर। वेट अ सेकंड, कुछ माइंस में कुछ करने को है ही नहीं। ये थोड़ा सा अजीब है यार, मुझे लगा था माइंस में कुछ हो करने के लिए। बट मेरे को ये वाला रास्ता देखना, ये वाला रास्ता कहाँ जाता है। यस यहाँ पे है ना एक एरिया, वही मुझे लग रहा था शायद एक एरिया और होगा। एंड प्लेसर गोल्ड चलो अपने पास ये था। एंड यहाँ पे एक बंदा भी है जिसके साथ शायद हम कुछ इंटरेक्ट कर पाएंगे। वैसे मसाओ क्यों लग रहा है भाई, काफी हद तक मसाओ लग रहा है। ओरे नुहाला शिनुस्के गुसाई, ओरे वा युता इमा चुट्टो इसुगाशी दा। नानी शिते रु नो, ओरे वा ट्रक रेसर नी नारी ताकुत्ते このトロッコショップで修行中のみだ。トロンコ姉さん。わあ、ボリュームダンサー。トロダレキのお姉さんになりたいなんて。なかなか一緒にしてるぞ。ペジョーシンチャンでちょっとレフェレンス見れがいすか。トロッコレーサーだ。なんだお前、トロッコレーズを知らないのか。珍しい子供だな。トロッコ自慢のレーサーたちが腕を競い合う。この町で一番熱いモータースポーツだぞ。スピードが速いだけではダメなんだ、コーナーリングやコース戦略も重要だ。火花を散らしながら疾走するトロッコの姿がさ、すんげーかっけーんだ。面白そう、俺もやってみたい。おいユタ、また油売ってんな。やば、はい今行きます。オッケー、तो यहां पे हमें रेस करने के लिए हम लोग यहां पे आ सकते हैं। बट वो यहां से रास्ता कैसे जाने का, क्या हम यहां से बात करके। ओके अगेन टुमारो, मतलब टुमारो हम यहां पे रेस कर सकते हैं। एंड ये कौन है, किड्स कांट रेस इन अ ट्रोली रेस। आई थिंक ये दूसरा एलिवेटर है शायद, ये सिटी हमें दूसरी साइड लेके जाएगा। ओके तो ये जो है टॉप मोस्ट लेवल पे जो है लेके जाएगा। वेट किधर की साइड है ये बग। एंड एक बार हम यहाँ का भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल कुछ भी देखो ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें जो है जरूरत है, तो अभी हम इस चीज़ से इतने इंटरेक्ट नहीं करने वाले हैं। ओ, ओके, ये आई थिंक ये अपने पास है ना? ना।頼んだ। देखो हमारे पास ईल तो है, मेरे को बस देखना है ईल के साथ जो बाकी जो चीजें की हमें जरूरत है वो क्या क्या है। सो शलॉट अपने पास है, एग भी अपने पास है, शीशु भी है, अनबेंड ईल भी है। सो दैट्स प्रीटी नाइस, अपने पास सब कुछ है जो हमें चाहिए इस डिश को जो है बनाने के लिए। सो चलो चलते हैं एंड इस डिश को जो हम कंप्लीट करते हैं। नानी का चुकर काई माखते तो की ना। तो भाई चलो भाई, इसके बाद ये एक और नई डिश जो है हमारे इस कलेक्शन में जो है ऐड होती हुई दिखेगी। एंड इसी के साथ आई थिंक ये टोटल हमारी जो है सिक्स्थ डिश है। हे नाम तो सुदजु।
अरिगादोयो। एंड भाई 800 येन हमें मिल चुके हैं, टोटल हमारे पास 1820 येन हो चुके हैं। एंड भाई डेट्स प्रीटी कूल, अपने पास अच्छा खासा जो है हमें पैसा आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि शायद हमारे पास यहाँ पर कुछ भी करने के लिए अभी फिलहाल तो नहीं है। कल जो ट्रोली रेस है, एंड आई थिंक वो ट्रोली रेस के साथ ही अब जो है आगे जो है मेन स्टोरी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना। एक बार मैं अगर देखूँ तो हाँ भाई, ट्रोली रेस के साथ ही जो है मेन स्टोरी आगे जो है प्रोग्रेस होगी। बाकी ये जो चीज़ें, ये आई थिंक ये होता रहेगा। सारे सारे यहाँ पे सबमिशंस हैं, सबमिशंस में हम अच्छा खासा हमें टाइम जो है स्पेंड ना भी करें तब भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एट द लास्ट ये सारे मिशन यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा। एंड इसी के साथ गाइज मैं इस वाले एपिसोड को यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों को इस एपिसोड में मजा आया होगा। अगर आप सभी लोगों को एपिसोड अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड साथ में जो है चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आप जो है मिस ना करें। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे।